तो जी कहा जाता है कि अगर आप कभी भी शाहदरा में छोटा बाजार में शॉपिंग करने आए और आपने भोला शंकर की कचौरी नहीं खाई तो माता रानी तो पाप लगाएंगी लगाएंगी, हमारे भोला शंकर जी भी नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी कचौड़ी ट्राई करना तो बनता ही बनता है। और यहाँ पे इनकी स्पेशल चटनी बन रही है अभी, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी कितनी पुरानी दुकान है? 1960 से है। 1960 से आई आपकी दुकान यहाँ पे? तो आपकी ऐसी कचौड़ी में स्पेशल क्या है जो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं? वैसे तो ये चटनी हमारी ज़्यादा फेमस है। हाँ जी, मगर कचौड़ी आपने बहुत जगह खाई होगी, वहाँ खाई होगी आलू सब्जी प्याज कचौड़ी वगैरह, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर छोले और कचौड़ी है। हाँ जी। और चटनी के साथ ही है बस। करो तो इस चटनी में केला जाता है और क्या जाता है? इसमें अंगूर जाता है। अच्छा, अंगूर भी जाता है। ओ भाई, अब जाएगा जी अनार। तो स्पेशल जो इनकी चटनी होती है ना, वही यहाँ पर सारा खेल है। सारे लोग स्पेशली चटनी खाने आते हैं, मैंने सुना दूर दूर से। और ये जाएंगे जी अब अंगूर। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्या जाएगा जी? अब मगज भी जा रहा है। और ये आगे जी इनकी चटनी है। किस चीज़ की चटनी होती है? अमचूर की होती है। अच्छा, प्योर अमचूर की। तो मैं आपको बता दूं, जब चटनियों की बात आती है ना, तो अमचूर की चटनी सबसे बढ़िया बताई जाती है, सबसे बेहतरीन बताई जाती है। और अब करा जाएगा जी इसको मिक्स। ओहो भाई, देखने में इतनी शानदार लगी है, सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। वाह यार, 1960 में खोली थी तो कितने रुपए की होती थी आपकी कचौड़ी? मेरे हिसाब से आनों में चलती थी। आनों में? ओहो भाई, मतलब आनों से आपने शुरुआत करी है यहाँ पे। आज 50 रुपए की है। आज 50 रुपए की है। ओके, तो ये आपके छोले बड़े यूनिक से लग रहे हैं। छोलों में क्या क्या होता है? इसमें इसके अंदर छोले हैं, आलू है, टमाटर है, नींबू है, धनिया है, और चटनी और मसाले हैं आपके स्पेशल वाले। और ये आगे जी खस्ता खस्ता एकदम कचौड़ियाँ। तो इसके अंदर भी कुछ स्टफिंग करी जाती है? नॉर्मल खस्ता कचौड़ी होती है ये? इसमें बेसन भरा रहता है। अच्छा, बेसन भरा रहता है। तो एक प्लेट बनाएंगे हमारे लिए। सबसे पहले जी कचौड़ी तोड़ दी यहाँ पे। और ये आ गए इनके छोले, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं बहुत सारी। और ये कौन सी चटनी होती है? खट्टी चटनी। और अब आ गई जी भाई इनकी स्पेशल वाली चटनी, फ्रूट वाली चटनी जो होती है। और ये देखिए जी, पैकिंग भी कर देते हैं। पैकिंग के लिए भी अलग से डिब्बा इनके पास, आप देख सकते हैं। ये पैकिंग 70 रुपए की है। अच्छा, ये आ गए जी मगज। और ये आ गए जी अनार। ये वाली स्पेशल वाली प्लेट बन रही है, तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, खा सकते हैं। और ये क्या आ गए जी? काजू। ओ भाई, काजू भी डल गया इसके अंदर। देखते जाइए भाई क्या क्या डल रहा है। एकदम शाही डिश बन रही है ये हमारी। रेडी है? रेडी अंकल जी? अभी तो यहाँ पे अंकल जी कचौड़ी ट्राई कर रहे हैं। कैसी लग रही है आपको? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं यहाँ से कम से कम नहीं है 25 साल से खा रहा हूँ। 25 साल से खा रहे हैं यहाँ पे? ओह भाई, तो ये 5 रुपए पत्ता था। अच्छा, जब 5 रुपए का पत्ता हुआ करता था। तो भाई जब से खा रहे हैं यहाँ पे अंकल जी? जब 5 रुपए पत्ता हुआ करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं स्पेशल भोला शंकर की यहाँ पे कचौड़ी आ चुकी है। ओहो भाई, एकदम फ्रूट के भरपूर। और स्पेशल जो होती है ना कचौड़ी, आपने खाई होगी सब्जियों के साथ, खाई होगी सब्जी वाली, आलू वाली सब्जी वाली कचौड़ी होती है। कोई हींग की सब्जी देता है, कुछ अलग देता है, बट यहाँ पे स्पेशल फ्रूट वाली चटनी है और उसके ऊपर छोले डाल रखे, ड्राई छोले करके। तो एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे को लग रहा है। तो मुँह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है ना, बोले नहीं जा रहा मेरे, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। और जो उनकी खट्टी मीठी चटनी है ना, उसका तो एक अलग सा कॉम्बिनेशन आ रहा है ना भाई। दूर से भी आते हैं तो यहाँ पे आना ना आपका वर्थ है। बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी है। और एक बाइट और लेते हैं, मेरे से रुका नहीं जा रहा। तो जब मैंने इनकी कचौड़ी खा ली ना, थोड़ा पहले तो मीठा मीठा लगा, उसके बाद जो फ्लेवर रह गया ना मेरी जुबान पे, तो भाई वो एकदम तीखा 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 सा। आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, पहली बार ट्राई की मैंने। हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है खाने में। और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है इसका, खट्टा मीठा मिक्स मसाले टाइप। और थोड़ी अलग भी है, अलग है कचौड़ी सब्जी से हटके। दिखने में फ्रूट चाट जैसी लग रही है, बट वो एक्चुअल में कचौड़ी है। कचौड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल।
कभी भी छोटा बाजार आए यहाँ पे इनकी कचौड़ी ट्राई करें कि ना करें आप बताइए। 200% पहले कचौड़ी खा ले उसके बाद यहाँ बाजार करें, क्योंकि बाजार में बहुत रश है, भीड़ यहाँ लग जाती है। पहले आप खा के देखें, और सामने ही मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर ना इनके स्टॉल तीन है, तो कंफ्यूज ना हो, किसी का डिफरेंट नहीं है, तीनों ही भाई हैं, तो सेम फ्लेवर सेम पैसे के साथ एक ही जैसा टेस्ट होता है सबका। एक बार ये ट्राई कर लें उसके बाद फिर शॉपिंग करें। वो कहते भी है ना भाई, पहले पेट पूजा फिर दूसरा काम दूजा, तो भाई पहले पेट पूजा करो उसके बाद कोई काम दूजा करो। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको आना है चादरा गेट नंबर 1 से, वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, छोटा बाजार पड़ता है ये, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आए, इनकी कचौड़ी ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, चपक है।